हमारे माननीय इमरान हुसैन जी, हमारे सोमेंद्र ढाका जी, प्रवीण गुर्जर जी और हमारे जिलाध्यक्ष ओमवीर सिंह जी और मंच पर उपस्थित हमारे हाजी बाबू साहब, बाबू कुरैशी जी, हाजी शहीद जी और इरफान पठान जी और तमाम गणमान्य तमाम बुजुर्गों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, आपका उत्साह देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज ही जीत गया। देश के 11 तारीख में आजे हैं लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं आज ही जीत गया। और आपके इस उत्साह को देखकर मैं देख रहा हूं कि हमारी यहां मीटिंग 3 दिन पहले रखी गई है और विपक्षी गठबंधन बीजेपी आपके उत्साह को देखकर इन्हीं इलाकों में चक्कर काट रहे हैं इकट्ठा होकर के, पब्लिक को रोको, पब्लिक को रोको, लेकिन पब्लिक नहीं रुक रही। आपकी उत्साह की आंधी को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि विपक्षियों के तो पसीने छूटे पड़े हैं और इंशाल्लाह जीत आपकी होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी वो गरीबों के, आम आदमी के रहनुमा हैं। उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी राजनीति की शुरुआत की है जो अब से पहले कभी नहीं की। आपने कभी सुना हिंदुस्तान के अंदर किसी ने बिजली फ्री दी हो? नहीं सुना होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था और दिल्ली के अंदर बिजली फ्री कर दी, पंजाब के अंदर बिजली फ्री कर दी, महिलाओं का किराया फ्री कर दिया, अस्पतालों में इलाज, हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक और स्कूल इतने वर्ल्ड क्लास के, जो सरकारी स्कूल थे इतने अच्छे बना दिए कि प्राइवेट स्कूलों में से बच्चों के नाम कटा करा कर लोग सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। योजनाएं एक नहीं है, अगर मैं सारे गिनाने लगूं तो यहाँ बहुत सारा समय लग जाएगा। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा ये तीसरा चुनाव है। पहले कॉम ने मुझे बिठा दिया था, दूसरे चुनाव में मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे बस्ते चोरी हो गए, अफवाह फैलाने के डॉक्टर शराफत को बैठ गया। अगर उसका कहीं बस्ता मिल जाए तो उसे वोट दे देना, अगर बस्ता ना मिला तो उसे वोट मत देना। और उसके बावजूद में मैं तीसरे नंबर पर रहा, तो ये आपका प्यार है और किसी अफवाह में आने की जरूरत नहीं है। अब की बार आप जीत रहे हैं, कोई नहीं जीत रहा। बहुत सारे लोग अब चुनाव के टाइम पे हवा बनाने के लिए बाइकों पर घूमते फिरेंगे कि फला जीत रहा है, फला जीत रहा है, फला जीत रहा है। वोट खराब मत करना, कोई नहीं जीत रहा, जिसको आप वोट देंगे वो जीत रहा। कोई भी वोट जेब में लेके नहीं घूम रहा, किसी की जेब में वोट नहीं है, वोट आपकी आपके पास है, जिसे आप वोट दोगे वो जीतेंगे। और अरविंद केजरीवाल जी ने पूरे यूपी के लिए एक एजेंडा बनाया है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक सबसे पहली बात यह है कि हाउस टैक्स हाफ और पानी का बिल माफ पूरे शहर के, पूरे यूपी के लिए, जहाँ जहाँ भी हमारे जीत के आते हैं, और हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक होगा जहाँ मुफ्त इलाज होगा, स्कूलों में अच्छी बिल्डिंग बनाई जाएंगी, अच्छी पढ़ाई होगी और सौंदर्यकरण होगा, आपके विकास का पैसा विकास पे लगेगा। पहले अरविंद केजरीवाल जी ने क्या किया, बिजली फ्री कैसे की? आप सबके दिमाग में एक सवाल होगा कि उन्होंने बिजली मुफ्त कैसे की। मैं आपको बताता हूँ कि जो पुल 500 करोड़ में बनके तैयार होते थे, अजान हो रही है 2 मिनट के, और है चलो